सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान बिग हीरो स्पेशल ऋचा अनिरुद्ध के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और ये है मेरा खास शो बिग हीरोज। बिग हीरोज एक ऐसा शो जिसमें हर हफ्ते मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं किसी ऐसी शख्सियत से जो समाज की भलाई के काम में लगे हुए हों, और ऐसे लोगों से मिलकर, इनकी कहानियां सुनकर, इनके कामों के बारे में जानकर सबसे अच्छा काम ये होता है कि बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि काश हम भी जिंदगी में दूसरों के कुछ काम आ पाएं। और आज जो मेरे बिग हीरो हैं उनका नाम है जितेंद्र सिंह शंटी और उनकी संस्था का नाम है शहीद भगत सिंह सेवा दल। शंटी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग हीरोज में। नमस्कार। ये बताएं भगत सिंह सेवा दल क्या करता है? दिल्ली और दिल्ली NCR के आसपास जितने भी परिवार ऐसे हैं जो गरीब या लावारिस डेड बॉडीज वाले हैं, असहाय हैं, जिनके पास दाह संस्कार करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, कफन दफन के लिए पैसे नहीं होते हैं, डेड बॉडी ले जाने का साधन नहीं होता है, उसको क्रीमेशन कराने का पूरा खर्चा लगभग पिछले 18 सालों से हम शहीद भगत सिंह सेवा दल के माध्यम से दिल्ली में कर रहे हैं। जी, तो क्या गरीब परिवार आपसे संपर्क करते हैं कि घर में किसी की मृत्यु हो गई है, उसका अंतिम संस्कार करना है, कैसे काम होता है? जितने भी क्रीमेशन ग्राउंड्स हैं उनमें हमने बोर्ड्स लगाए हुए हैं। इसके अलावा पुलिस को और प्रशासन को भी पता है, डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी को भी पता है भी कहीं पर जैसे कोई झुग्गियां गिर गई, कहीं पे आग लग गई, कहीं पे कोई भी हादसा होता है तो हमको संदेशा आ जाता है और वहां जाकर जितनी भी डेड बॉडीज होती हैं उनको जलाने का, दफनाने का, जिस भी धर्म के लोग होते हैं उसका जिम्मा हम लेते हैं और विधिवत उनका दाह संस्कार हम करते हैं। जैसे कि ललिता पार्क में बिल्डिंग गिर गई थी ईस्ट दिल्ली में, 22 लोग मरे थे, तो उन सबका जिम्मा भी हमने लिया था। और कई बार क्या ये स्थिति सामने आती है कि किस धर्म का वो व्यक्ति है जिसका अंतिम संस्कार आपको करना है, वो भी ध्यान रखना होता होगा आपको? बिल्कुल, जो भी मर्यादा उस धर्म की होती है उस धर्म की मर्यादा को पालन करते हुए हम उसका विधिवत संस्कार कराते हैं, क्योंकि हमारा वो एक निश्चय बन चुका है, हमारा एक एम बन चुका है, हमारा कर्म बन चुका है, हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसमें कोई गलती ना हो हमारे से। जी, कितनी खूबसूरत सोच है ना। आप सोचिए कि हम में से ज्यादातर लोग तो शायद जीते जी भी लोगों के बारे में नहीं इतना सोच पाते हैं, और जितेंद्र सिंह शंटी जी और इनकी संस्था उन लोगों के बारे में सोचती है जिनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन जिन्हें सम्मानजनक अंतिम संस्कार का भी आसरा नहीं होता, वो सहारा ये ऐसे लोगों को, इनके परिवारों को पहुंचाते हैं। बहुत अच्छी सोच है, बहुत नेक सोच है, लेकिन इस सोच की शुरुआत, इसका जन्म कहां से हुआ और कब हुआ, ये मैं इनसे जानूंगी अब से बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए बिग हीरोज, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और मेरे बिग हीरो हैं जितेंद्र सिंह शंटी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और आज जो मेरे बिग हीरो हैं उनका नाम है जितेंद्र सिंह शंटी, उनकी संस्था का नाम है शहीद भगत सिंह सेवा दल, और बहुत ही नेक काम ये लोग करते हैं, ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार करना जिनको या तो लावारिस पाते हैं ये लोग, या ऐसे परिवारों के होते हैं वो लोग जो उनके अंतिम संस्कार का खर्चा नहीं उठा पाते। जितेंद्र जी, हम में से बहुत लोग शायद ये सोच नहीं पाएंगे, आपने कब और कैसे शुरू किया, क्या थी वो घटना जिसने आपको ये काम शुरू करने का हौसला दिया या प्रेरणा दी? मैं कहूँ तो ये 1995 में दिल्ली के निगम बोध घाट पे किसी के दाह संस्कार में जब मैं गया, मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति लोगों की जली हुई डेड बॉडीज के आसपास जो टुकड़े पड़े होते हैं उनको उठा के टोकरी में रख रहा है, और हम पूछते हैं कि क्या आप चोरी कर रहे हो, तो उसका कहना था कि मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं और मेरी मिसिस सुबह से यहाँ बैठे हैं, हम परदेश से आके बच्चे का इलाज कराने आए थे, उसकी डेथ हो गई है, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं संस्कार करा सकूं, तो मैं बहुत संस्थाओं के पास गया, बहुत NGOs के पास गया, लेकिन किसी ने कहा कि हम धार्मिक काम तो कर सकते हैं लेकिन ये दाह संस्कार के लिए पैसे नहीं दे सकते, तो कोई चारा ना देखकर मैं लकड़ियों के टुकड़े जो बचे हुए हैं उठा के अपने बच्चे का दाह संस्कार करना चाहता हूँ। उस दिन दिल के अंदर बहुत आत्मग्लानी हुई कि राष्ट्रीय राजधानी जहाँ पे लोग अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे करोड़ों रुपये लगाते हैं, बच्चे के जन्मदिन और शादी पे करोड़ों रुपये लगाते हैं, मकान पे लगाते हैं, कारों पे लगाते हैं, और एक व्यक्ति दाह संस्कार के लिए बच्चे की लकड़ी के लिए पैसे ना हो तो क्यों ना एक ऐसी संस्था पर शुरुआत की जाए, और हमने स्थापना की शहीद भगत सिंह सेवा दल, और आज तक लगभग हम 11,700 के करीब दाह संस्कार ऐसे करवा चुके हैं। दिल्ली पुलिस का, प्रशासन का सहयोग मिलता है आपको आपके काम में? उनका हमको मिलता है और हमारा उनको मिलता है कि आधी रात को भी हमें कहीं पता लगता है कि कहीं कोई बिल्डिंग गिर गई है, कहीं कोई आग लग गई है, तो बिना बुलाए हम पहुंच जाते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि खाली दिल्ली ही नहीं, हम नेपाल में
जम्मू कश्मीर में और चेन्नई में भी अभी जब विपदा आई उत्तराखंड में आई तो शहीद भगत सिंह सेवा दल सेवा करने के लिए वहां भी पहुंचा अपनी टीम के साथ। कभी लोगों ने कहा कि अब इतने साल हो गए कि क्यों कर रहे हो, क्या बहुत कहा पहले पहले घर वालों ने भी कहा, लेकिन आज जब उनको लगा कि इस बच्चे का जुनून है और वो जुनून सही दिशा की तरफ लेके जा रहा है तो आज यह आलम है कि मेरा बेटा लंदन में कवेंट्री में डिजास्टर मैनेजमेंट का इसी प्रकार का कोर्स करने गया है। तो चलिए 11,000 आपने बताया, 11,700 लोगों का आप अंतिम संस्कार करा चुके हैं, वो भी ऐसे लोग जिन्हें शायद अगर आपका सहारा नहीं मिलता तो अंतिम संस्कार के अलावा जो डेड बॉडीज करने के बाद कई लोगों के अस्थियां जो हैं शमशान घाटों में पड़ी रह जाती हैं क्योंकि उसको प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार जाने के लिए भी 4-5 हज़ार रुपए चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे बेचारे। तो हम साल में 2 बार वो सारी अस्थियां सब शमशान घाटों से एकत्र करते हैं और विधिवत अपनी गाड़ी पे ले जाके एम्बुलेंस में और हरिद्वार में जाके उनको विसर्जित करते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। बहुत 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 बड़ा काम कर रहे हैं आप, बहुत नेक काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सब लोगों को बता दूं कि यही एक काम नहीं है, ये सबसे मेन सबसे इम्पोर्टेंट काम है शहीद भगत सिंह सेवा दल का, लेकिन और भी बहुत सारे काम समाज सेवा के कर रहे हैं। कौन कौन से काम है आपको बताऊंगी आपसे बस कुछ ही देर में, आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारे खास शो बिग हीरोज में हूं ऋचा अनिरुद्ध। बिग हीरोज ऐसे लोग जो समाज की भलाई के लिए कोई ना कोई काम करते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं कि हम भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें जो समाज के काम आए। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आज के मेरे बिग हीरो हैं जितेंद्र सिंह शंटी जिनकी संस्था शहीद भगत सिंह सेवा दल लावारिस शवों का या गरीब परिवारों के शवों का अंतिम संस्कार करने का काम करते हैं। लेकिन जितेंद्र सिंह जी सिर्फ यही एक काम नहीं है आपका, और भी बहुत कुछ कर रहे हैं आप, बताएंगे हमें। जब हम इस लाइन में आए क्रीमेशन वाली में तो हमें लगा कि किसी की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है और घर पे लाना हो तो उनको कोई व्हीकल नहीं मिलता है, एम्बुलेंस नहीं मिलती है, तो हमने शव वाहन पहला 1996 में बनाया और करते करते आज संस्था के पास 14 शव वाहन है। और आप सुन के हैरान होंगे कि जो हॉस्पिटल से घर बॉडी जाती हैं, घर से शमशान घाट लेके जाते हैं, 40,000 से ज्यादा डेड बॉडी हम उसमें कैरी कर चुके हैं। और इसके अलावा एम्बुलेंस सर्विस हमने शुरू की 1996 में ही, जिसके द्वारा अब तक 19,600 लोगों को उसकी सेवा दी जा चुकी है। एक और हमने सेवा शुरू की इसी से जुड़ती हुई कि किसी की घर में डेथ हो जाती है लेकिन संस्कार उन्होंने 2 या 3 दिन बाद करना है क्योंकि बच्चे बाहर होते हैं, तो अगर नेचुरल डेथ हो तो उसको हॉस्पिटल वाले बॉडी को फ्रीज नहीं करते हैं, तो हमने उसके लिए मॉर्चरी बॉक्स मोबाइल बना दिए हैं, हमारी गाड़ी जाके उनके घर में उस बॉक्स को फिट कर देती है। जिस बॉक्स का किराया आज भी साउथ दिल्ली में कहीं पता करें तो 4 से 5 हज़ार पर नाइट का होता है, हम 2, 3, 4 दिन जितने दिन भी उनको चाहिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मॉर्चरी बॉक्स भी प्रोवाइड करते हैं। और जो सबसे बड़ा काम हमारी संस्था ने आज से 14 साल पहले शुरू किया था वो था ब्लड डोनेशन, उसके लिए हमने अपील करी जनता को और अभी तक 138 कैंप हम कर चुके हैं और ईश्वर ने कृपा करी और 91 टाइम मैं भी ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, 91 बार, और मेरी इच्छा है कि मैं जीते जी इसकी सेंचुरी करके जाऊँ। ये काम हमारी संस्था करती है। जितेंद्र सिंह जी कोई एक्सपीरियंस आज आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें जो आपके दिल को छू गया हो। देखिए हम अपने जीवन में बहुत काम ऐसे करते हैं जो कि नाजायज होते हैं, हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपनी माँ को प्यार करते हैं, पिता को प्यार करते हैं, लेकिन जब लाश की मामला आता है तो मैं देखता हूँ अक्सर कि लोग अपने सके रिश्तेदारों से भी दूर हट जाते हैं, क्रीमेशन में भी हाथ लगाने को तैयार नहीं होते हैं, मैंने बहुत ऐसे मामले देखे हैं। लेकिन हम जब किसी ऐसी लाश को जो लावारिस होती है अपने हाथों से जलाते हैं तो हमें उसने लगता है अगर वो छोटा बच्चा है जिसको हम संस्कार करें तो मुझे लगता है कि मेरा अपना बच्चा है, अगर वो बुजुर्ग माँ है तो मुझे लगता है कि मेरी अपनी माँ है, तभी मेरे दिल से भावना निकलती है और मैं उसको अच्छे दिल से करने का प्रयास करता हूँ। और मैंने एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा जो रिक्शे पे आया और मुझे कहता है कि मेरी मिसेज की डेथ हो गई है, मैंने कहा ठीक है आप क्रीमेशन ग्राउंड पहुँचिए मैं वहाँ जाके संस्कार कराता हूँ, तो कहने लगा कि मैं रिक्शे में बॉडी साथ ही लाया हूँ। उसके पास कफन के पैसे भी नहीं थे, जो व्यक्ति 40-50 रुपये रिक्शा किराए पर चलाता हो वो कहाँ से लाएगा 1,000 रुपये। तो मैं समझता हूँ कि मुझे इन कामों को करके बहुत ही प्रसन्नता मिलती है, सुकून मिलता है मुझे काम करके। शायद आज ये शो सुनकर बहुत लोगों के मन में ख्याल आएगा कि कई बार हम देखते हैं कि किसी परिवार को ऐसी ज़रूरत होती है जहां आप काम आ सकें, तो आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है और कैसे हम दिल्ली वाले आपके काम में आपका सहयोग दे सकते हैं, ये दोनों चीज़ें मैं जानूंगी जितेंद्र सिंह शंटी जी से आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा खास शो बिग हीरोज़, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर यह हमारा खास शो बिग हीरोज, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और आज के मेरे बिग हीरो मेरे साथ हैं जितेंद्र सिंह शंटी जी जिनकी संस्था का नाम है शहीद भगत सिंह सेवा दल। मैं आज आप सब लोगों को बताना चाहती हूं कि जितेंद्र सिंह शंटी जी पर अमेरिका के एक फिल्म मेकर ने एक फिल्म बनाई थी
जितेंद्र जी चाहेंगे आप उस फिल्म के बारे में खुद बताएं। मैं हैरान हो गया एक दिन जब मुझे कार्तिक सुब्रमण्यम का यूएसए से फोन आया कि आउटलुक में आपका आर्टिकल पढ़ने के बाद मेरा दिल करता है कि मैं एक डेड बॉडीज के ऊपर मूवी बनाऊं आपको लेके। और उन्होंने हिंदुस्तान में आके 2005 के अंदर एंजल्स फॉर द डेड एक शॉर्ट मूवी बनाई और डेढ़ महीना उन्होंने यहाँ पूरी मेहनत करके जब उस मूवी को तैयार किया, इंडिया हैबिटेट इंटरनेशनल में उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया और जब अमेरिका में गए और फ्लोरिडा के जॉय फिल्म फेस्टिवल 2006 में उन्होंने उस मूवी को चलाया तो उनको गोल्ड मेडल मिला और उन्होंने हमारी संस्था को भी सम्मानित किया और वो भी सम्मानित हुए। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आज भी विश्व में ऐसे लोग हैं जो इन कामों की कदर करते हैं। बिल्कुल, और अगर आपका किया हुआ नेक काम दुनिया के अलग अलग कोनों तक पहुंचे, बहुत सारे और लोगों को इंस्पायर करे कुछ अच्छा करने के लिए, तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। जितेंद्र जी, अगर किसी भी तरह से आपसे संपर्क करना हो या आपके काम में सहयोग करना हो तो हम दिल्ली वाले कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते? जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, शहीद भगत सिंह सेवा दल के साथ जुड़ना चाहते हैं, सेवा लेना चाहते हैं या सेवा देना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 87 50 90 50 50 87 50 90 50 50। हमारा ये 24 घंटे का नंबर है। और इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है www.sbsfglobal.org और हमारा ईमेल एड्रेस है contact@sbsfglobal.org। नंबर मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, 87 50 90 50 50 87 50 90 50 50। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र सिंह जी, हमारे आप शो में आए, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ बांटे, हमें इंस्पायर किया और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों की दुआएं आपको लगती होंगी जब आप इतना नेक काम करते हैं लोगों के अंतिम संस्कार का। चलते चलते हर हफ्ते मैं अपने बिग हीरो से गाने की फरमाइश लेती हूँ जो आप आज पूरे दिल्ली को डेडिकेट करना चाहें। कौन सा होगा वो गाना? होगा मसीहा, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। That's all. थैंक यू सो मच। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, फिल्म उपकार का ये खूबसूरत गीत हमारे बिग हीरो जितेंद्र सिंह शंटी जी की तरफ से हम सब के लिए। आप सुन रहे थे बिग हीरोज 92.7 बिग एफएम पर, मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान बिग हीरो स्पेशल रिचा अनिरुद्ध के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ऐसा माना जाता है कि बच्चों को अगर छोटी उम्र से ही धर्म से जोड़ दिया जाए, उन्हें धर्म की शिक्षा दी जाए, तो बहुत सारे गलत रास्तों पर चलने से बच सकते हैं, अपराधों से बच सकते हैं। और हमारे देश में जहां क्रिकेट वाकई एक धर्म की तरह है, अगर छोटे बच्चों को, झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को क्रिकेट का सहारा दे दिया जाए तो सोचिए उन्हें कितने गलत चीजों से बचाया जा सकता है। और यही काम कर रहे हैं आज के मेरे बिग हीरो बीएस पुंडीर जी और उनके बेटे राजेश पुंडीर जी। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और कैसे बीएस पुंडीर जी और राजेश जी बच्चों को क्रिकेट का धर्म सिखा रहे हैं, ये हम उन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास शो में। हम चाहेंगे कि दिल्ली वालों को आप बताएं आपके काम के बारे में। बीएस पुंडीर जी पहले आप बताएंगे। रिटायरमेंट के बाद हमने सोचा कि ऐसा काम किया जाए छोटी सोसाइटी के बच्चे जो हैं थोड़ा सा कुछ उन्नति कर सके, वो भी आगे जाके किसी के उस पे खड़े हो सके, उनका हौसला उपजाई करने के लिए हमने फिर एक ये ऐसा स्कीम सोची कि भाई सोसाइटी बनाई जाए। तो हमने ये CFCT जो है नाम की हमने CFCT। राजेश जी क्या है CFCT? मैडम, इस्लाम के बच्चों का पैशन क्रिकेट ही है और वो अपना एक प्लास्टिक का बैट लेके बॉल लेके क्रिकेट खेलते थे। तो मेरे फादर कहते यार ये बच्चे जिंदगी भर यहीं खेल सकते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार चलो कुछ सोचते हैं इसके ऊपर। तो उन्होंने बोला यार स्लम क्रिकेट लीग बना देते हैं। अरे वाह। तो हमने स्लम क्रिकेट लीग इस तरह स्टार्ट कर दी। तो कितना वक्त हो गया आपको स्लम क्रिकेट लीग शुरू किए हुए? मैडम ये आइडिया मई में आया था, तो मई से लेके
जून जुलाई तक हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, फेसबुक में वगैरह हमने डालना शुरू कर दिया, उसको पोस्ट करना शुरू कर दिया, अपने इस पे काम करना शुरू कर दिया, और अक्टूबर में हमने जो है सोचा कि करेंगे इसको लीग को। अरे वाह, तो अक्टूबर 2015 में दिल्ली में स्लम क्रिकेट लीग का आयोजन हुआ। हाँ जी। किस किस ने हिस्सा लिया उस लीग में, कहाँ कहाँ से बच्चे खेलने आए, ये सब कुछ मैं पूछूंगी राजेश पुंडीर जी से और बीएस पुंडीर जी से आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए हमारा एक खास शो बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनुरुद, और मेरे बिग हीरोज आज हैं स्लम क्रिकेट लीग की शुरुआत करने वाले बीएस पुंडीर जी और उनके बेटे राजेश पुंडीर जी। दिल्ली के सारे क्रिकेट प्रेमियों से आज मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपने मोगली 11 और मिकी माउस 11 के बीच का क्रिकेट मैच देखा था? नहीं देखा ना, मिस हो गया। तो आज मैं आपको इस क्रिकेट मैच के बारे में बताऊंगी। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनुरुद, और मेरे बिग हीरो हैं बीएस पुंडीर जी और राजेश पुंडीर जी, जो दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को न सिर्फ क्रिकेट की ट्रेनिंग देते हैं बल्कि उनके लिए एक क्रिकेट लीग का आयोजन भी करते हैं जिसका नाम है स्लम क्रिकेट लीग, और उसकी शुरुआत 2015 में ही हुई है। राजेश जी, पहली स्लम क्रिकेट लीग कैसी रही, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमको। पहली स्लम क्रिकेट लीग अक्टूबर में हमने कराई, और वो 6 दिन चली, 12 से लेकर 17 तक, 17 को क्लोजिंग सेरेमनी थी। और हमने उसके अंदर साउथ दिल्ली के 10 स्लम जो है चुने। कौन कौन से स्लम्स थे? साउथ दिल्ली के 10 स्लम जैसे कुसुमुर पहाड़ी हो गया, रंगपुरी पहाड़ हो गया, आरकेपुरम में है, ये बहुत सारे स्लम, बहुत सारे स्लम में गए, कई लोगों ने इंटरेस्ट लिया, कई लोगों ने लिया वसंत विहार में। तो 10 टीमें बनाई, उसके बाद उनके टूर्नामेंट कराए, सबसे 3-3 टूर्नामेंट आपस में, और सबसे ज्यादा हमने सोचा कि ये स्लम के बच्चे हैं, क्रिकेट खेल नहीं पाएंगे, तो हम उनके लिए बहुत हल्के बैट लेके आए, हल्के पैड लेके आए, क्योंकि पैड पहनना और ये पहनना प्रोफेशनल थे नहीं वो। बट हमको बड़ा आश्चर्य हुआ जब हमने देखा उनको खेलते हुए, तो वो किसी भी प्रोफेशनल क्रिकेटर से कम नहीं खेल रहे थे। अच्छा, तो जब किसी ने उनसे पूछा कि भाई बेटा आप इससे पहले कहाँ खेलते थे, तो एक बच्चे ने बोला मैडम हम जंगल में खेलते थे। तो हमें सुनकर बड़ा हैरानी हुई कि बच्चा क्या बोल रहा है। तो उस मैडम ने पूछा बेटे ये ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोला मैडम हमारे स्लम के पीछे जंगल है, जगह तो है नहीं, तो हमने जंगल को अंदर घास फूस काट के हम वहाँ क्रिकेट खेल के सीखे हैं, और CFCD ने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया है। और अब हमें बड़ा अचंभा हुआ, कई बच्चे तो मतलब बोला कि हमारा सपना था कि हम कभी ग्राउंड में खेलेंगे। तो हमने उनको, हमारे कुछ फ्रेंड थे जिन्होंने हमको सपोर्ट किया, हमें किट मिली, और हमने उनको किट, यूनिफॉर्म, रिफ्रेशमेंट, आने जाने का कन्वेंस, मतलब उनको सिर्फ आना था और खेलना था। अच्छा। और हमें ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि भाई इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, जो हम सोचते थे 5-6 महीने में तैयारी करके करेंगे, तो हमने फिर 2 महीने बाद ही दिसंबर में एक सेकंड लीग नॉर्थ दिल्ली का करा दिया। आप बाकायदा मतलब क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे प्रोफेशनल खेलते हैं 20 टूर्नामेंट, इनका बस ये होता है कि 15 मैच का होता है, लेकिन पूरा प्रोफेशनल 20 टूर्नामेंट था, पकाया था, सारा ऐसे होता है। और क्योंकि बच्चे को कार्टून से बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो हमने मोगली 11, डोरेमोन 11, जितने भी क्रिएचर थे, मिकी माउस 11, तो ये हमने नाम दिए उन बच्चों को। तो ये बताइए कि लीग का आयोजन कितना भी सिंपल आप करेंगे, लेकिन इतने सारे बच्चों को लाना ले जाना, उनको प्राइज देना है, उनके लिए आपने कहा कि सब इक्विपमेंट्स आने, बिल्कुल, तो फंडिंग आपको कैसे मिलती है? मैडम देखिए, फर्स्ट टाइम तो हमें बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि हम नए थे, किसी को बताते थे लोग हमारे वास्ते थे कि आज स्लम क्रिकेट लीग झुग्गी झोपड़ी बच्चों को ला रहे हो आप। तो हमने कहा नहीं यार, कराना तो है, जैसे तो हमारे 2-3 हमारे सोशल ग्रुप है जिनसे हमने कॉन्टेक्ट किया, और उन्होंने फिर हमको फेवर किया कि चलो ठीक है हम स्पॉन्सर करते हैं। तो कई लोग जुड़े हमसे, तो फर्स्ट कराने के बाद जो कमियां थी दूर की, उसको सेकंड टाइम थोड़ा हमको ये कॉन्फिडेंस हो गया, और हमको पता चल गया कहाँ से चीज क्या मिलती है, तो सेकंड टाइम हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई। चलिए, स्लम्स क्रिकेट लीग आयोजित की है राजेश पुंडीर जी ने और बीएस पुंडीर जी ने, बहुत ही नेक काम इसको, मतलब अगर बच्चों को खेलने का मौका मिल जाए तो बहुत ही नेक काम ही इसको कहा जाएगा, सोशल वर्क है। कैसा रिस्पांस आपको बच्चों से मिला, और क्या कहते हैं बच्चे, कुछ खास एक्सपीरियंसेस मैं जानना चाहूंगी आपसे बस सबसे कुछ ही देर में। बीएस पुंडीर जी और राजेश पुंडीर जी आज मेरे बिग हीरो स्लम क्रिकेट लीग का आयोजन करने के लिए। सुनते रहिए इनकी कहानी, बहुत दिलचस्प है। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं आपके साथ ऋचा अनुरुद, और ये शो है बिग हीरोज। खेलने का मौका मिलना किसी भी बच्चे के लिए सुविधा नहीं, उसकी जरूरत है, हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। और इस हफ्ते दिल्ली मेरी जान में हमने यही कैंपेन की कि हर बच्चे को खेलने का मौका मिलना चाहिए, वक्त मिलना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए और आजादी मिलनी चाहिए। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनुरुद, और आज जो मेरे बिग हीरोज हैं बीएस पुंडीर और उनके बेटे राजेश पुंडीर, वो दिल्ली के बहुत सारे उन बच्चों को जिन्हें खेलने की सुविधाएं नसीब नहीं होती, उन्हें क्रिकेट जैसा खेल खेलने का मौका देते हैं। इन दोनों ने मिलकर स्लम क्रिकेट लीग शुरू की है झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के लिए। राजेश जी, बहुत सारी दिक्कतों के बाद आपने स्लम क्रिकेट लीग का आयोजन किया जिसमें झुग्गियों के बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों की कुछ मजेदार बातें आप बताएंगे, कैसा लगा उनको आपकी लीग में हिस्सा लेने में? मैडम सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, जो स्लम के बच्चे हैं लोग उनको अवॉइड करते हैं, जो क्रिकेट है वो रिच लोगों का जो गेम बन के रह गया है,
तो सबसे पहले तुमको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया जिसपे वो अपना पैशन और अपना जो शौक है, ड्रीम चाहे, वो पूरा कर सके. दूसरा, उनमें से कई बच्चे हमें पता चला कि वो गलत संगत में थे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे वो चीज़ वो उनसे दूर हो गई. दूसरा, मुझे याद है एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा था और वो आउट हो गया. तो वो खड़ा रहा क्रीज पे, तो लोगों ने जा भाई तू आउट हो गया, तो वो हटा नहीं. फिर बड़ी मुश्किल से आया तो मैंने बोला बेटा तू आउट हो गया था, गया कुछ? बोला अंकल मैंने 15 साल बाद ग्राउंड देखा है कैसा होता है, तो मेरा दिल किया मैं एक बार और खेलूं. तो मैंने बोला ठीक है बेटा कल मैं तेरे को दोबारा खिलाऊंगा, दूसरी टीम से खिलाऊंगा. तो मैंने उसको खिलाया और एक लड़का बहुत अच्छा क्रिकेट खेला और मैन ऑफ द मैच, मेरा सीरीज रहा वो. और जब हम उसको अवार्ड दे रहे थे तो वो रो पड़ा बहुत बुरी तरह. कहता मुझे सारा जो आज मिला है वो किसी ने नहीं दिया. कहता मैं चाहता था, मुझे उत्साह था खेलने का, लेकिन कहता कोई जगह थी नहीं, कौन खिलाता. पुंडी सर आप माइंड ना करें तो आपकी उम्र पूछ सकते हैं, वैसे आप रिटायर हुए हैं. मैं 86 का हूँ. ओह माय गॉड, 86 इयर्स. इस हफ्ते हमने दिल्ली मेरी जान में इसी मुद्दे पर बात की कि बच्चों के लिए खेलने की जगह नहीं है, खेलने के मौके नहीं है. आप लोग जब छोटे, अपना बचपन आप याद कीजिए, कितने खुले मैदान आपके पास हुआ करते होंगे, आप लोग खेलते होंगे, क्या क्या खेल खेलते थे उसमें? गुल्ली डंडा, कंचे. आपको लगता है सर अब हमारे बच्चों के पास वो जगह नहीं रह गई? और सबसे सरप्राइजिंग बात जो मुझे ये शो करने के दौरान पता चली कि दादा दादी नाना नानी जिनको वो पार्क्स में बैठना होता है वो कहते हैं बच्चे को खेलने मत दो. बहुत दुख होता है सुनकर. ये हर सोसाइटी वाले को कम से कम सोचना चाहिए इस चीज को कि ये बच्चे जो है झुग्गियों में है या कहीं स्लम सोसाइटी में किसी में है, उनको थोड़ा सा हौसला बढ़ाए और उनमें से कोई बच्चे ऐसी जगह पहुंच जाए जहां आजकल बड़ी सोसाइटी के बच्चे खेलते हैं. जी बहुत खूबसूरत बात कही. आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी हमने दो स्लम क्रिकेट लीग कराई है, नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली की. उनमें से 60-70% बच्चे ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल प्रोफेशनल जैसे बच्चे खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं. उन्होंने कहाँ सीखा, कैसे सीखा मुझे पता नहीं. अभी हमने फिर फैसला किया जो मेरी कोर टीम है कि ये स्लम जो 5 स्लम के जो नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, इनमें से बच्चे निकलेंगे, इनमें से एक ऐसी टीम बनाएंगे जो भी दूसरे हमारे दिल्ली क्लब है उनसे फिर उनका टूर्नामेंट कराएंगे. तो देखेंगे कि उनका जो पैशन है, उनके अंदर जो आग है, वो कहाँ तक साबित होती है. बहुत बढ़िया. तो चलिए स्लम क्रिकेट लीग के बारे में हमने बहुत सारी बातें करनी अपने आज के बिग हीरोज से, लेकिन सिर्फ इस क्रिकेट के अलावा भी ये बहुत सारे काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं. वो क्या क्या है ये मैं इनसे जानूंगी बस कुछ ही देर में. आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा खास शो बिग हीरोज. मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध. 92.7 बिग एफएम पर ये हमारा खास शो बिग हीरोज. मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरे साथ हैं दो बिग हीरोज, बीएस पुंडीर जी और उनके बेटे राजेश पुंडीर. ये लोग स्लम क्रिकेट लीग का आयोजन करते हैं दिल्ली में और साथ ही इनकी संस्था का नाम है CFCT. CFCT का फुल फॉर्म बता दीजिए आप ही. कम्युनिटी फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया. जी तो राजेश जी, एक संस्था आपकी क्या क्या काम करती है? CFCT मैडम ऐसा है कि सबसे पहले उन्होंने स्लम में स्कूल खोला था मसूदपुर वसंत कुंज के अंदर, छोटा स्कूल, प्रिपरेटरी स्कूल था, जहाँ पे स्लम के 50 बच्चों को हमने एक प्राइमरी एजुकेशन दी. उसके बाद इस साल इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में हायर एजुकेशन के 19 बच्चों को हमने एडमिशन कराया. उसके बाद हमने जो है सेक्टर 12 KD कॉलोनी के अंदर एक वोकेशन ट्रेनिंग से वुमन एम्पावरमेंट का हम काम करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहाँ पे वहीं स्लम के लेडीज को बुला के हमने सिलाई कढ़ाई, कैंडल मेकिंग, सब टॉय मेकिंग और उनके द्वारा बनाए हुए सामान को हमने मार्केट में सेल ऑफ करके उनको जो है एक जीविका अर्जन करने के लिए हमने मौके दिए. प्लस जो है हम हेल्थ पे भी काम करते हैं, जो पूरे से पूरे पेशेंट्स हैं सप्तांग में एम्स में आते हैं, डोनेशन लोगों से लेके उनकी हम हेल्प करते हैं. तीसरा जो है ये स्लम क्रिकेट लीग हमारी है. बाकी उसके अलावा अभी हम जो एक नया लेटेस्ट जो हमने भी जो हमारी कोर टीम है उन्होंने एक वो किया है कि हम एक दो एम्बुलेंस रखेंगे और उसके ऊपर ये है कि जो भी रोड के ऊपर जानवर मरा होता है, छोटा जानवर मरा होता है, उसको ग्रेसफुली जो है उसको हम जो है उसकी रिनेशन करेंगे. बहुत खूब. ये बताइए स्लम क्रिकेट लीग के लिए लोग आपको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं दिल्ली वाले? मैडम देखिए क्रिकेट हिंदुस्तान में 90% लोगों को समझ में आता है कि क्रिकेट कुछ चीज होती है और स्लम के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रोफेशनल खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने में. हम आपके द्वारा गवर्नमेंट से ये हेल्प चाहते हैं कि हमको थोड़ा सा लैंड दे दी जाए, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट दे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे, हम एकेडमी खोल जो खोलना चाहते हैं वो एकेडमी खोलें ताकि उन बच्चों को जो स्लम के गरीब बच्चे हैं उनको हम ट्रेनिंग प्रॉपर दे सकें. दूसरा, मैं आपके द्वारा जो है लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग जो है हमसे जुड़ें, हमें सपोर्ट करें और जो भी मदद हो सके हमसे हमारी करी जाए ताकि जो है हम समाज में उन लोगों को जिनको कोई समाज में लोग दूसरी निगाह से देखते हैं उनको हम थोड़ा सा सपोर्ट कर सकें. जी आप अपने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम सबको देना चाहेंगे? हाँ जी, हमारी वेबसाइट है www.cfct-india.org, हमारा फेसबुक पेज है CFCT इंडिया एंड स्लम क्रिकेट लीग.
तो हमारे सारे डिटेल्स उसके अंदर है जी। बहुत खूब, और हमारी भी इस हफ्ते यही कोशिश रही है 92.7 बिग एफएम पर कि हर बच्चे को उसके खेलने का अधिकार मिले। वो बच्चा चाहे किसी भी परिवार का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म जाति का हो, हर बच्चे को उसका जन्मसिद्ध अधिकार जो खेल है वो मिलना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बी एस पुंडीर जी, राजेश पुंडीर जी हमारे शो में आने के लिए। चलते चलते कोई गीत जो आप अपने सारे जो क्रिकेटर बच्चे हैं उनको डेडिकेट करना चाहेंगे? मैं दो लाइन जो है वो स्लम के गरीब बच्चे जिनके ख्वाब पूरे हो रहे हैं उनके लिए सुना देता हूँ। वो लाइन दो लाइनें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आ चल के तुझे मैं लेके चलू एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले ऐसे गगन के तले। बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, और काश कि हम अपने देश के हर बच्चे को उस गगन के तले ले जा पाते जहाँ किसी भी बच्चे के लिए कोई गम नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। बिग हीरो सुन रहे थे आप, मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध, और ये खूबसूरत सा गीत हर बच्चे के नाम आ चल के तुझे। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान बिग हीरो स्पेशल रिचा अनिरुद्ध के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और आज जो मेरे बिग हीरो हैं उनका परिचय मैं नहीं दूंगी, उनका परिचय देंगे आपके हमारे हम सबके चहेते सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। सुनिए। साजन अबरोल और नमन आलूवालिया दो नौजवान ये दिल्ली के निवासी हैं। दिल्ली की सर्दी में पेवमेंट के ऊपर लोग पड़े रहते हैं, गरीब बेचारे, और सर्दी के साथ उनको जूझना पड़ता है। तो इनको लगा कि क्यों ना इनके लिए हम कुछ वस्त्र वगैरह कपड़ों का इंतजाम किया जाए। तो इन्होंने अपनी एक संस्था शुरू की जिसका नाम है क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन। तो जैसा कि अमिताभ बच्चन जी ने कहा, साजन और नमन ये दोनों दिल्ली के बेसहारा लोगों के लिए कपड़े जुटाने का काम करते हैं, और इनकी फाउंडेशन का नाम है क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन। साजन नमन आज बिग हीरोज में मेरे साथ हैं। साजन नमन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो बिग हीरोज में। थैंक यू रिचा। सबसे पहले हम दिल्ली वालों को बताएं ये क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन क्या है। तो हम क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन में जरूरतमंद का लोगों को कपड़े बांटते हैं, और ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता है। जब आप कपड़े देंगे मेरे को, मैं उस कपड़े को जाके डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और उस बंदे की फोटो खींचूंगा जो कपड़े पहन रहा है। उसके बाद वो फोटो मैं फेसबुक पे अपलोड करूंगा, और जिसने मेरे को कपड़े दिए हैं उसको फेसबुक पे टैग करूंगा। तो इससे पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता है, और डोनर को पता होता है कि उसके कपड़े कहाँ जा रहे हैं और कौन पहन रहा है। कैसे शुरुआत हुई क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन की? हम क्लास 8 से साथ में पढ़ते हैं। बचपन से ही कुछ ना कुछ ऐसा हमारे मन में था कि हम करना चाहते हैं। तो कॉलेज के दौरान हमने इंटर्नशिप करी किसी एक एनजीओ में, तब हमें पता चला कि उनका जो प्रोसेस था, जो लेन देन था, वो पूरा ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो हमने सोचा लोग हमारी मदद करेंगे, हमने फ्रेंड और फैमिली से स्टार्ट किया और वहां से बढ़ता चला गया। अरे वाह। अच्छा ये बताइए कि आज की रात है जिंदगी शो की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन खुद आए थे आपके बीच जब आप कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और उन्होंने अपने कपड़े भी दिए बांटने के लिए? उस दिन भी सरप्राइज दिया उन्होंने हमें। और जब आए तो उन्होंने ऐसे ट्रीट किया कि वो पहले से जानते हमें। उन्होंने आपको सरप्राइज दिया? जी जी। फिर क्या हुआ? जब हम लोग कपड़े बांट रहे थे कंस्ट्रक्शन साइट पे हुसैन के साथ, उसके बाद वो आए हमसे मिले, तो वो काफी स्पेशल फीलिंग थी कि हमें लगा कि हमने कुछ अचीव किया है यहाँ तक आने के लिए। खुद से तो आए हमें हेल्प करने के लिए और हमारे काम में पार्ट बनने के लिए, साथ साथ वो अपने कपड़े भी लेकर आए। तो एक उनका जैकेट बहुत फेमस हुआ सिलसिला का, जो शायद सबने कवर किया था उनका। मुझे पता नहीं कि लोगों ने क्या किया होगा उस जैकेट का। बट बच्चन साहब के कपड़े किसी को आसानी से फिट आए, ये भी बड़ा मतलब ये मैंने उनको बोला था। मैंने कहा सर ये लेबर तो सर बड़ी पतली है। इनको तो बेचारे को खाने को नहीं मिलता है, तो ये आपके सर आप तो काफी लंबे चौड़े हैं। कहते मुझे कि अरे इन्हें काट पीट कर पहन लेंगे। That's so Bachchan style. आगे हमने लोगों से पूछा आप क्या करोगे इतने बड़े कपड़ों का, बोलते हैं मैं इसको फोटो फ्रेम करा के अपने रूम में लगा लेंगे। बट उन्होंने बहुत प्यार से वो कपड़े दिए थे, मतलब एक सेलिब्रिटी की तरह नहीं आए थे, वो एज अ वॉलंटियर बनकर आए थे। बहुत बहुत बड़ी बात है। और मुझे खासकर उस दिन बहुत अच्छा लगता है जिस दिन मेरे जो बिग हीरोज होते हैं वो बहुत यंग होते हैं। साजन और नमन, इन्होंने कैसे ये फैसला लिया, फैमिली ने किस तरह इनके डिसीजन को एक्सेप्ट किया, और कैसे ये पूरा अपना एंजॉय चलाते हैं, ये सब कुछ मैं जानूंगी आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए हमारा खास शो बिग हीरोज, और आज मेरे बिग हीरोज हैं साजन और नमन, और इनकी फाउंडेशन का नाम है क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन। 92.7 बिग एफएम पर नए साल में ये है बिग हीरोज का पहला एपिसोड। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और आज मेरे बिग हीरो हैं क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन के नमन और साजन।
तो साजन नमन ये बताइए, जब आपने क्लोथ बॉक्स फाउंडेशन की शुरुआत करने का सोचा, फैमिली ने, पेरेंट्स ने क्या बोला आपसे? शुरू में थोड़ा उन्हें लग रहा था कि 21 साल के लड़के हैं, 20 साल के लड़के हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया तो आई थिंक जब मन में भावना अच्छी होती है तो काम बढ़ता ही चला जाता है। तो वहां से ये शुरू होता गया और बढ़ता ही गया। एंड फैमिली ने फिर अब काफी सपोर्ट करते हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले हम नहीं है ये जो कर रहे हैं, ये पूरे इंडिया हमारे साथ है। और हमारे सबसे पहले कपड़े जो आए वो हमारी फैमिली और फ्रेंड से ही आए थे, तो शुरुआत वहीं से हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे हमने एक्सपैंड किया इसको और अब हम ऑलमोस्ट 15 सिटीज में हैं इंडिया में और 50 के ऊपर वॉलंटियर्स हैं हमारे अब। तो धीरे धीरे काफी बड़ा हो रहा है ये। लेकिन आपने फरवरी 2014 में आई थिंक शुरुआत करी है, तो अब 2 साल आपको होंगे और इतने कम समय में आप 15 शहरों में भी पहुंच गए, कैसे किया आपने? हमने 14 फरवरी को शुरू किया था ये वैलेंटाइंस डे पे इनफॉर्मली, बहुत छोटे स्केल पे घर से शुरू किया था हम लोगों ने। और अप्रैल में हम लोग रजिस्टर हुए थे एज अ ट्रस्ट। और इतने छोटे समय में हमने इतना सब अचीव इसलिए किया क्योंकि हमारे अंदर मोटिवेशन थी कि हम लोगों को हेल्प करें जितने हो सकते हैं। कैसे हेल्प कर सकते हैं? सबसे बेसिक नेसेसिटी कपड़े होते हैं, तो कपड़े हम अपनी वार्डरोब से भी दे सकते हैं। तो क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन का नाम भी वहीं से आया। लेकिन आप लोगों को देखकर ना मन में एक सवाल उठता है कि आप लोग उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं जहां ज्यादातर यंगस्टर्स बड़े बड़े मॉल्स में जाकर ब्रांडेड कपड़े खरीदने से मतलब रखते हैं, उन कपड़ों का क्या होता है बाद में, मतलब कितना पैसे वेस्ट हो रहे हैं, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं होता, फिर डिस्क चले गए, डांस वांस कर लिया, पार्टी कर लिया, आई एम सॉरी टू से दैट, बट इतनी सीरियसनेस आपकी तरफ से आना, और आपके सब फ्रेंड्स रिलेट कर पा रहे थे आपके सोशल वर्क से? आई थिंक अभी भी जब हम सोचते हैं कि अभी हम 23 साल के हैं और हमारी उम्र के बच्चे, जैसे आप कह रहे हो कि डांस वगैरह पार्टीज ये सब करते हैं, which is fine, which is fine, which is good, against it, but normally sense of responsibility या social work का एहसास कम दिखता है जी, जब हम अब सोचते हैं ये चीज तो हमें अभी भी लगता है कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया, एक मतलब एक पैशन था और अभी कहाँ तक पहुँच गया है। आई थिंक जब आपके पास एक अच्छा आइडिया होता है तो आपको लुक बैक नहीं करना चाहिए एंड यू शुड मतलब आप चलते ही जाओ इसको लेकर। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ हमने ऐसा क्यों शुरू किया था। मैं शायद क्लास 7th में था, मेरा घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था, वहाँ पे काफी सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, तो उनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। मेरे को तब से ही दिमाग में था कि कुछ करना है उनके लिए। जब हम लोग 18 ईयर्स के हुए हमने डिसाइड किया कि हम कुछ करेंगे। हमें एक साल लगा थोड़ा आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करने में। हमारे पास ये आइडिया आया कि हम इंटर्नशिप करते हैं पहले एक एनजीओ में, वहाँ पे हमने 3 महीने इंटर्नशिप करी, लेकिन हमने ये देखा कि प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं था बिल्कुल भी। तो हमने सोचा कि हम फेसबुक को टैप कर सकते हैं इसको गैप कवर करने के लिए, क्योंकि फेसबुक की पॉपुलेशन 1 बिलियन से भी ज्यादा है इस समय। और आइडिया मतलब हमारा मेन यही है कि हम ट्रांसपेरेंट रहें जो भी कुछ करें जी। तो ट्रांसपेरेंसी शब्द का इस्तेमाल बार बार हो रहा है, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं समझूंगी साजन और नमन से कि कैसे ये लोग कपड़े इकट्ठा करते हैं और कैसे ये लोग वो कपड़े जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। आप सुनते रहिए हमारा ये खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। मेरे बिग हीरोज हैं साजन और नमन। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और आज जो मेरे दो बिग हीरोज हैं जिनका नाम है साजन और नमन, उनका काम वैसा ही है जैसा साल में एक बार 92.7 बिग एफएम पर हम और आप मिलकर भी करते हैं, दरिया दिल्ली, दिल्ली के बेसहारा जरूरतमंद लोगों तक कपड़े पहुंचाने का काम। इनकी एनजीओ का नाम है क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन। तो साजन नमन, आप लोग कपड़े इकट्ठा कैसे करते हैं, ये पूरा काम कैसे होता है, और कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ ये कपड़े आपको ले जाकर बांटने हैं? बेसिकली हमारे पास जो फेसबुक के थ्रू डोनर्स आते हैं और वो हमें कॉन्टेक्ट करते हैं, और हमारे कुछ ड्रॉप पॉइंट्स बने हुए हैं, वहाँ पे आते हैं लोग, हम उनको एड्रेस देते हैं, उस वॉलंटियर का नंबर देते हैं, वहाँ पे जाके वो कपड़े उसको दे आते हैं, वहाँ से हमारा काम आगे शुरू होता है। तो जैसे कि हमारे पास आदमियों की बहुत सारी पैंट्स है या शर्ट्स है, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएं जहाँ पे ज्यादा आदमी होते हैं। अगर लेडीज के कपड़े हमारे पास, तो हम ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट चूज करते हैं जहाँ पे फर्स्ट लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि वहाँ लेडीज ज्यादा होती है। बच्चे हम कोशिश करते हैं कि ऑफनेजेस में जाएं, या हमारे पास हमेशा गाड़ी में कपड़े पड़े रहते हैं, तो हम चलते फिरते सिग्नल पे रोक के गाड़ी में से निकाल के कपड़े दे देते हैं, तो इस तरह से ये चलता है। कहीं से कोई फाइनेंशियल एड? इस वक्त बहुत कम है, लेकिन काफी सेल्फ फंडेड है ये।
कोई ऐसा इमोशनल इंसिडेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें अपने काम के रास्ते में लगता है कि कितना समय इसमें जा रहा है, करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, बट फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है दैट कीप्स यू गोइंग। आप लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ? एक बार हम लोग किसी स्लम एरिया में गए थे डिस्ट्रीब्यूट करने क्लोथ्स, और उसी दिन एक बच्चा हमारे पास आया, उसने बोला मुझे साफ पीने का पानी चाहिए, तो हमने अपनी गाड़ी से निकाल के साफ पीने का पानी दिया उसको, और वो टाइम दिवाली के आसपास का था। तो वहाँ से हमें आइडिया आया कि हम इस दिवाली कुछ अलग करते हैं पटाखे वगैरह बर्स्ट करने के अलावा, इस बार हम बर्स्ट हंगर चैलेंज करते हैं। तो बर्स्ट हंगर चैलेंज में ये हुआ कि मैंने किसी को फूड दिया या पानी दिया, और मैंने आगे 5 लोगों को नॉमिनेट किया कि आप भी सेम करो ये इस दिवाली। तो धीरे धीरे एक चेन हो गया ये, और काफी लोगों ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई इसमें अपनी, और काफी लोग दिवाली पे पटाखे बजाने के बजाय भूख बजा रहे हैं। एक और इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, हम एक स्कूल में गए थे, एक लर्निंग सेंटर है वो, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे एक बच्चा है जो बहुत अच्छा गाना गाता है। हमें लगा कि इस तरह के टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें, तो हमने उस बच्चे से बात करी और उससे पूछा कि अगर तेरी एक विश मैं इस क्रिसमस या इस न्यू ईयर पे पूरी करूँ तो वो क्या होगी। तो उसने बोला क्योंकि मैं गाता हूँ और मेरा इंटरेस्ट है गाने में, तो मेरे को एक गिटार चाहिए ताकि मैं आगे इसको परस्यू कर पाऊँ। तो हमने वहाँ से अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है गिफ्ट ड्रीम प्रोजेक्ट। जी, उसके अंदर हमारे पास कुछ 500 बच्चों की लिस्ट है जो अपनी एक विश पूरी करवाना चाहते हैं। क्लोथ बॉक्स का एक स्पॉन्सर आएगा क्लोथ बॉक्स के थ्रू, और वो अपनी उस बच्चे के लिए एक विश स्पॉन्सर करेगा। तो इसी तरह से हमारे पास कई बच्चे हैं जो कई एरियाज में टैलेंटेड हैं, और वहाँ से फिर हमने अपना काम स्टार्ट किया, और हमारा पहला जो गिफ्ट था वो उस बच्चे को गिटार था। और मतलब जब हमने उसको वो गिटार दिया तो उसकी एक्सप्रेशंस वर प्राइसलेस। सुनकर इतना अच्छा लग रहा है। तो ये बताइए, जो 500 बच्चों की लिस्ट है और उनके जो ड्रीम्स हैं, उनकी जो विश है, वो हम कहीं देख सकते हैं? जी हाँ, एक हमारी फेसबुक पेज पे हमने उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप facebook.com/clothesboxfoundation पे जा सकते हैं और आप जाके पूरी डिटेल्स वहाँ चेक कर सकते हैं। चलिए, तो क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन के साथ जुड़ना हो या किसी एक बच्चे के सपने को पूरा करना हो, तो हम कैसे जुड़ सकते हैं साजन नमन के साथ और उनकी क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन के साथ, ये मैं इनसे जानूंगी बस सबसे कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए हमारा खास शो बिग हीरोज, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। जो लोग बड़ा दिल रखते हैं, दरिया दिली दिखाते हैं, वो भी बहुत कम उम्र में, ऐसे लोग बनते हैं हमारे बिग हीरो। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हमारा खास शो बिग हीरोज, मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और नए साल के बिग हीरोज के पहले एपिसोड के हमारे बिग हीरोज हैं साजन और नमन, और इनकी फाउंडेशन का नाम है क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन, जिसके जरिए ये जरूरतमंद लोगों तक कपड़े पहुंचाने का काम करते हैं। साजन, नमन, हमारे हर हफ्ते जो बिग हीरोज से मैं मुलाकात करती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि जब आप इस स्टूडियो से बाहर निकल कर जाएं तो बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली वाले आपसे कांटेक्ट करें, आपसे जुड़ें और आपकी ताकत बने। तो एक तो आपने कहा कि आपका एक फेसबुक पेज है जिसका नाम है facebook.com/clothesboxfoundation। इस पर हम जाकर वॉलंटियर भी कर सकते हैं कि अगर हम आपको कपड़े देना चाहें, आप हमें मैसेज करें कि आप किस तरह से क्लोथ बॉक्स फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं और हम आगे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। कोई और तरीका है, कहीं आपका ऑफिस है, कोई फोन नंबर, कोई वेबसाइट? हमारा ईमेल एड्रेस है clothesboxfoundation@gmail.com। एक बार फिर बता देता हूँ, हमारा ईमेल आईडी clothesboxfoundation@gmail.com। हमारे फोन नंबर फेसबुक पे मिल जाएंगे आपको, और मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, नमन का नंबर है 9717345363 और साजन का नंबर है 9810196688। चलिए, बहुत मजा आया आपसे बातें करके, और ये जानकर ज्यादा अच्छा लगता है जब हमारी युवा पीढ़ी समाज के लिए सोचती भी है और सिर्फ सोचती नहीं, बहुत कुछ करने की कोशिश भी कर रही है। सो ऑल द बेस्ट फॉर क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन। और चलते चलते बिग हीरोज का एक नियम है कि मैं अपने बिग हीरोज से गाने की फरमाइश लेती हूँ, आप कौन सा गीत आज सुनना चाहेंगे? अमिताभ जी हमारे साथ थे, उनकी मेमोरीज हमारे साथ अभी दिमाग में चल रही है, तो उनकी मूवी सत्ते पे सत्ता का गाना सुनना चाहेंगे, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। वाह वाह वाह, आप दोनों को भी बहुत सारे लोगों के लिए जो प्यार है वो एक मोड़ पर ले आया है। चलिए, तो बिग हीरो साजन और नमन की फरमाइश का एक खूबसूरत गीत सत्ते पे सत्ता, अमिताभ बच्चन और उनके बहुत सारे भाई, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। आप सुन रहे थे बिग हीरोज मेरे यानी ऋचा अनिरुद्ध के साथ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान बिग हीरो स्पेशल ऋचा अनिरुद्ध के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
अपने अपने घरों में बैठकर पार्टीज में दफ्तरों में समाज की देश की शहर की परेशानियों पर बातचीत करना बहस करना बड़ा आसान होता है, लेकिन बिग हीरो वो होता है जो बहस नहीं करता, वो बहस से परे जाकर समाज की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करता है। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, और इन दिनों जो एक मुद्दा जिस पर हम सबसे ज्यादा बहस कर रहे हैं वो है हमारे देश में तेजी से बढ़ रहे बाल अपराध। क्यों हमारे बच्चे किताबों के बजाय हथियार उठाने लगे हैं, इस पर हम सभी लोग बहस कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कानून में बदलाव होने चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हकीकत में बच्चों को अपराधी बनने से बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ऐसे ही कुछ लोग आज मेरे साथ हैं, इंस्पेक्टर तीरथ देवी, दिल्ली पुलिस की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ये शी टू शक्ति कैंपेन की इंचार्ज हैं। सबसे पहले इंस्पेक्टर तीरथ देवी जी से पूछती हूँ कि ये शी टू शक्ति कैंपेन है क्या? शी टू शक्ति अपने आप में ही साबित करता है, शी टू शक्ति एक लेडी महिला जो शक्तिशाली बनना चाहती है और वो बनेगी, उसके साथ हम हमेशा हैं। हमारी ब्रांच में डोर टू डोर जा करके लेडीज को, बच्चों को, उनके पिता को, सबको हम समझाते हैं कि उन्हें अपने परिवार के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे क्राइम से बचना है। ये कैंपेन शी टू शक्ति स्टाफ की पुलिस ऑफिसर्स, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सभी डोर टू डोर जाती हैं और उनको समझाती हैं। इसके अलावा जो बच्चे गरीब तबके के हैं, जिनके पेरेंट्स बड़े बड़े स्कूलों में नहीं भेज सकते, उन बच्चों को हम अपने थाने के अंदर ही स्कूल में पढ़ाते भी हैं। हमारे ही ब्रांच की महिला कांस्टेबल निशा और कांस्टेबल ममता स्कूल की तरह से ही दो पुलिस स्टेशन में अपनी क्लास चलाती हैं और उन बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है और पुलिस की एक कम्युनिटी अप्रोच भी बनती है। आज ये बच्चे हैं, कल यही बड़े नागरिक होंगे और यही उस पुलिस की छवि को सुधारेंगे जो आज तक लोग कहते हैं ये पुलिस है। बच्चों, मैं ऐसा मानती हूँ कि पुलिस ही वो चीज है कि जहाँ आकर के हर इंसान अपना दुख रोता है और उसका सोल्यूशन भी उसको वही मिलता है, हर जगह नहीं मिलता। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और शी टू शक्ति कैंपेन के साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स भी जुड़े हैं। मेरे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स मेघना और सुरभि। मेघना, सुरभि, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस कैंपेन से आप लोग कैसे जुड़े? इस कैंपेन से हम सेल्फ डिफेंस, हमको क्लासेस होती थी उसके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। फिर निशा मैम से हमारा बात हुई, उन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया और इन बच्चों के बीच में हमें रहने का मौका दिया है। आज हम जहाँ हैं, हम भी चाहते हैं इन बच्चों को वही मुकाम मिले और यही सभी चीजें सीखे। कल को चार लोगों में अगर ये खड़े होते हैं तो कॉन्फिडेंस से कह सके हाँ हम पढ़ते हैं और हमें सब पता है, हम हर चीज के बारे में हम जानते हैं। बहुत खूब। सुरभि, ज्यादातर हम लोगों के मन में पुलिस की ना एक बड़ी नेगेटिव सी छवि बन गई कि पुलिस तो बस, हम लोग खासकर हम मीडिया वाले तो बहुत बुरा भला बोलते रहते हैं। आपको लगता है कि जब आप यहाँ आई, आप इन लोगों से, सब इंस्पेक्टर से, कांस्टेबल से मिली, ये बच्चों का प्रोजेक्ट देखा, आपकी सोच बदली क्या इन लोगों के लिए? नहीं, मेरी सोच जब सेल्फ डिफेंस की क्लासेस हो रही थी तभी बदल गई थी। और बहुत ही अच्छे लोग होते हैं दिल्ली पुलिस वाले। पहले होता था पापावरी को लगता है कि हाँ भाई पुलिस वालों से इतनी दोस्ती अच्छी नहीं होती, दुश्मनी इतनी अच्छी नहीं होती। तो फिर जब मैं मैम से मिली, तीरथ मैम से बहुत बार मिली, ऐसा नहीं है पुलिस वाले सिर्फ अपनी ड्यूटी पे लगे रहते हैं और हमेशा सिर्फ ये नहीं है कि क्रिमिनल्स को पकड़ते रहते हैं, उनके भी इवेंट्स होते हैं। बाकी इन बच्चों को पढ़ाने में तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो कल ये बच्चे भी वहाँ पर जाएं। ये नहीं है कि हमारा नाम हो, बस ये कि ये लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लें, अच्छे स्कूलों में जाएं, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ें, इनका नाम हो। जी, बहुत ही अच्छी बात है इन सबने की। और मैं आज अपने लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम अपने बिग हीरो से मिलने स्टूडियो से बाहर आए हैं और बहुत जरूरी भी था क्योंकि इतने प्यारे प्यारे 50 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, दो अलग अलग स्कूल से ये लोग आए हैं। इंस्पेक्टर तीरथ देवी मेरे साथ हैं, कांस्टेबल निशा जी और कांस्टेबल ममता मेरे साथ हैं, इनसे भी मैं बात करूंगी आज बिग हीरोज में। और आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपने शो का नाम बिग हीरोज के बजाय बिग सांता रख दिया जाए, क्योंकि इन सब लोगों को देखकर मुझे यही फीलिंग आ रही है कि इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ये लोग वाकई एक सांता है। आप बने रहिए इस खास शो में, बड़ा मजा आएगा आपको इन सब लोगों की बातें सुनकर, और इन बच्चों से भी मैं ढेर सारी बातें करने वाली हूँ। यह 92.7 बिग एफएम पर हमारा खास शो बिग हीरोज, आज के लिए बिग सांता। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। क्रिसमस का टाइम कुछ ऐसा टाइम होता है कि हम सबको लगता है कि काश जो सांता क्लॉज है वो असली में होता, हमारी जिंदगी में आता और हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता। लेकिन सच तो यह है कि हम सबकी जिंदगी में बहुत सारे सांता होते हैं, अक्सर हम उन्हें देख नहीं पाते। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज, जिसे आज के लिए मैंने नाम रख दिया है बिग सांता। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और मैं हूँ इस वक्त डीसीपी नॉर्थ के ऑफिस में। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे साथ, इंस्पेक्टर तीरथ देवी हैं यहाँ पर जो शी टू शक्ति कैंपेन की इंचार्ज है नॉर्थ एरिया में, और अब मेरे साथ हैं
कांस्टेबल निशा और कांस्टेबल ममता। मैं आपको बता दूं कि ये सब लोग मिलकर ये जो बहुत सारे बच्चे हैं इनको पढ़ाने का काम करती है। थोड़ी हैरानी होगी सुनके कि पुलिस वाले पढ़ाने का काम भी करते हैं, लेकिन इसके पीछे सोच ये है कि इन बच्चों को एक अच्छी दिशा दी जाए, शिक्षा दी जाए, ताकि ये बच्चे अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर गुजरें बजाय अपराधी बनने के। निशा जी, कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई? 4 months before तीर्थ मैम ने मुझे बोला था कि एक हम स्कूल खोल रहे हैं रूपनगर में, और वहाँ पे कुछ स्लम्स एरिया के बच्चे हैं जहाँ पे उनके पेरेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाते उनको ऐसा एनवायरनमेंट, और उनके पास फीस नहीं है अफोर्ड करने के लिए कि वो ट्यूशंस, महंगे महंगे ट्यूशंस अफोर्ड कर सके। तो तब हमने इनके झुग्गियों में जाकर इनको थोड़ा सा मोटिवेट किया इस चीज को लेकर कि उन्हें इस चीज को लेकर ना थोड़ा ट्यूशंस में आना है, कुछ सीखना है। तब जाकर ये बच्चे, जैसे ही मैं इनकी विजिट करने के लिए गई, ये बच्चे एक के बाद दो, दो के बाद दस, दस के बाद 50 से जुड़ते चले गए। आपको मजा आता है इनके साथ? बहुत ज्यादा। और इनकी वजह से जो मेरी पढ़ाई में सोचती थी कि शायद ये डिपार्टमेंट में आने के बाद, दिल्ली पुलिस में आने के बाद वो कहीं ना कहीं दब गई है, वो वापस से निकल के बाहर आ गई है। वो अब मुझे इतना पता है कि इन बच्चों के को मुझे पढ़ाना है तो अपने आप पे 2-4 घंटे पहले मेहनत करनी पड़ेगी, तब सिखाना है इनको। ममता जी, कोई ऐसा वाक्य इन बच्चों के साथ हुआ हो जब आपको बहुत अच्छा लगा हो कि आप एक अच्छा काम कर रही है? पुलिस की जो ड्यूटी करती है वो तो करती होंगी, बट ये एक एडिशनल काम आप कर रही हो, इसमें आपको मजा आ रहा है? अभी कुछ एक महीने पहले मैं यहाँ पर इनको टूर पे ले गई थी अक्षरधाम मंदिर। उस टाइम पे जो मेरे साथ बच्चे गए थे, शायद वो स्कूल की तरफ से शायद ही पहले कभी गए थे। जब वो मेरे साथ गए थे वो इतने ज्यादा खुश थे, मैं आपको शब्दों में तो बयां कर नहीं सकती। वहाँ पर जाकर इन्होंने नई नई चीजें देखी, पहले कैसे पढ़ाई होती थी, पहले कैसे चिकित्सा की जाती थी, ये सारी चीजें उन्होंने देखी समझी। तो ये सारी चीजें जब भी हम इनके लिए ऐसा कुछ करते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और ये काम हम करते रहते हैं इनके लिए। एक सवाल मैं आप दोनों से पूछूंगी कि कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस की ड्यूटी कहीं और लग रही है और आपको लगता है नहीं 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 हमें बच्चों के साथ रहने दो? मैम, ऐसा ना बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ना अभी हम सेल्फ डिफेंस टीम में भी हम सेल्फ डिफेंस भी सिखाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है जहाँ पर हमें सेल्फ डिफेंस परफॉर्म करना होता है, तो उन दिन हम यहाँ पर बच्चे नहीं जा पाते इनको पढ़ाने, तो हमें इतना ज्यादा बुरा फील होता है कि इनको फोन पर बताएं या फिर किसी और सब्स्टिट्यूट को वहाँ पर पढ़ाने भेजते हैं। हमें भी खुद को हमें ऐसा लगता है हम डेली पुलिस में नहीं, हम एज अ टीचर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। आप भी कई बार भूल जाती है कि कांस्टेबल है या टीचर? अभी तो फिलहाल ऐसे लगने लगा है कि दिल्ली पुलिस में नहीं है, मैं एक्चुअली एक टीचर ही है। लगता है बस घर छोड़ के अगर निकलना है ना 2 घंटे तो इनको पढ़ा के जाना है, और अगर ये बच्चे आ गए हैं तो बस ये कुछ पढ़ के जाए यहाँ से। काश आपको दिखा पाती, हम पुलिस वालों को बड़ा पत्थर दिल मानते हैं ना। इस वक्त कांस्टेबल निशा, ममता, इंस्पेक्टर तीरा देवी, सबकी आंखों में आंसू है सिर्फ इन बच्चों के बारे में और अपनी कैंपेन के बारे में बात करते हुए। मुझे लग रहा है मैं भी भावुक हो जाऊंगी, बट भावुक नहीं होना है, इन बच्चों से बहुत सारी बातें करनी है। रुकूंगी यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप जरूर सुनते रहिए हमारा ये खास बिग हीरोज डीसीपी नॉर्थ के ऑफिस से। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, और ये स्टेशन कौन सा है? 92.7 बिग एफएम, सुनते रहिए। 92.7 बिग एफएम पर ये हमारा खास शो बिग हीरोज, मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, और पहली बार हम अपने बिग हीरोज से मिलने स्टूडियो से बाहर निकले हैं और पहुंचे हैं डीसीपी नॉर्थ के ऑफिस में, जहां उनकी टीम झुग्गियों के बच्चों को पढ़ाने का, उनको सुधारने का, उनको स्किल सिखाने का काम करती है। इस कैंपेन का नाम है शी टू शक्ति कैंपेन। बहुत सारे बच्चे जो सुबह स्कूल जाते हैं वो शाम को पुलिस की इस टीम से पढ़ने आते हैं, और बच्चे कहते हैं कि इन्हें पुलिस वालों से पढ़ने में बहुत मजा आता है। अब मेरे साथ है डीसीपी नॉर्थ मधुर वर्मा जी। शी टू शक्ति कैंपेन हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, अर्लियर इट वॉज कॉल्ड परिवर्तन। हमारा आइडिया था कि रेदर देन चेंजिंग, वाई नॉट एम्पावर गर्ल्स दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो इस कैंपेन में हमने गर्ल्स को, जो कि सेल्फ डिफेंस ट्रेन गर्ल्स थी सोसाइटी की, उनको हमने अपनी सपोर्ट के साथ वी टुक देम टू सर्टेन प्लेसेस जो कि ईव टीजिंग प्रोन थी, जहां पे उनको डर रहता था कि यहाँ पे कुछ लड़के खड़े रहते हैं और तंग करते हैं, तो वहां पे उन्हीं लड़कियों द्वारा हमने उनको हटाया और उनके ऊपर कार्रवाई करनी स्टार्ट करी। फिर हमने फर्दर एक्सटेंड किया, अपना शिष्टाचार ऑपरेशन किया, जो लड़के इस तरह के हैबिचुअल थे उनको हम डिटेन करते थे, डिसिप्लिन करते थे, उनकी काउंसलिंग करवाते थे। तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ शी टू शक्ति कैंपेन। फिर ये बच्चों को पढ़ाने का आइडिया, क्योंकि अब मैं देख रही हूँ आपकी जो कांस्टेबल्स हैं वो तो टीचर से भी बेटर हो गई हैं, ये कैसे हुआ? ये इन्हीं की अपना इनिशिएटिव से आया, जो हमारा शी टू शक्ति सेल था, इट वाज वर्किंग बेसिकली फॉर द सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। बट लीन पीरियड में जब छुट्टियां हो जाती थी, स्कूल्स के बच्चे नहीं इकट्ठे हो पाते थे, या सर्दियों का ज्यादा मौसम होता था, तब इन्होंने, दोनों लड़कियों ने, निशा और ममता ने, इनके अपने इनिशिएटिव से स्कूल, हमारे पुलिस स्टेशन कॉम्प्लेक्स में नेबरिंग बच्चे जो कि नॉट वेरी वेल टू डू हैं, उनको बुला के पढ़ाना शुरू कर दिया। आपको ऐसा लगता है कि ये कैंपेन अगर पूरी दिल्ली में सारे एरियाज की पुलिस करे तो बहुत अच्छा होगा? आई
am very happy that my team has thought over it. It is a very, very positive thing because generally a police station एक symbolically ये इस तरह का माना जाता है कि लोगों को डर लगता रहता है कि अगर कोई complainant भी पुलिस स्टेशन जाता है, general tendency रहती थी या सुनने में आता है यार पुलिस स्टेशन में कौन जाएगा. अब अगर बच्चे पुलिस स्टेशन में घूम रहे हैं उसका benefit पुलिस में भी मिलता है. अगर बच्चों के साथ पुलिस regularly interact करती है, जितना curious mind रहता है child का, उससे हमारा भी एक माइंडसेट खुलता है, पुलिस का भी माइंडसेट खुलता है और जनरल एक एनवायरनमेंट भी लाइवली होता है. एंड आई होप ये मूव सब जगह पे अगर लाई जाती है तो इट इज वेरी गुड. हम भी यही उम्मीद करेंगे कि पूरी दिल्ली में ही क्या पूरे देश में इस तरह की कैंपेन्स हो जहां पुलिस बच्चों को इस तरह से पढ़ाने का काम करे. और कितना पढ़ा है इन बच्चों ने, कितना सीखा ये मैं इनसे जानूंगी अब से बस कुछ ही देर में. आप सुनते रहिए 92.7 पर हमारा खास शो बिग हीरोज. मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज बिग सैंटा और मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध. और आज हम आए हैं डीसीपी नॉर्थ के ऑफिस में. आपको बता दूं कि इस एरिया में शुरू किया गया है शी टू शक्ति कैंपेन जहां पर स्लम्स के बच्चों के लिए पुलिस वाले टीचर्स का रोल निभा रहे हैं और इन बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको स्किल्स सिखाई जाती हैं. तो पुलिस वालों से तो हमने बात कर ली, बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट से भी बात की जाए. मेरे साथ हैं तुषार. तुषार बताइए कैसा ये कैंपेन चल रहा है, टीचर्स आपको पुलिस वालों की तरह पढ़ाते हैं या टीचर्स की तरह पढ़ाते हैं? मैम ये तो हमें बहुत डर लगता है, पहले सुनते थे पुलिस के पास पकड़वा देंगे. बस अब तो मन करता है कि बस पुलिस के पास ही चले जाए. पुलिस के पास रहने कौन करता है? यस मैम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, खास करके तो हमें फ्रेंड्स बन चुके हैं. अरे वाह. काजल क्या क्या सीखा आपने इन लोगों से? मैंने बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना भी सीख गई और बहुत सारे वर्ड्स बोलती हूँ मैं. और मैम के पास मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके जाती हूँ और मैम सारी सॉल्व करती हूँ अभी फ्रेंकली. और ऐसा डर भी नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना. मैं रोज आती हूँ, मैं कभी छुट्टी नहीं करती यहाँ की. मैम मेरा नाम डिम्पल है, मैं तिमारपुर में रहती हूँ और मैम हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं. और मैम जो हमें नहीं आता मैम वो सब बताती हैं. और मैम हमने सेंटेंस की रीडिंग करना सीखी, हमें पढ़ना भी नहीं आता था, मैम ने सिखाया पढ़ना. मुझे एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं कि सब मैम है और ये पुलिस वाली है सामने खड़ी है इसलिए सब अच्छी अच्छी बातें हो रही है? ऐसा नो मैम. नो मैम पक्का? क्योंकि ऐसा तो कोई स्टूडेंट मैंने देखा ही नहीं जो हर समय टीचर की तारीफ करे. नो मैम टीचर बहुत अच्छी है. अच्छा एक बात बताओ, आपके पेरेंट्स को डर नहीं लगता कि आप पुलिस वालों के साथ जा रहे हो रोज उनसे पढ़ाई कर रहे हो? नो मैम, इससे एक तो सुरक्षा प्रदान होती है कि पुलिस वाले के पास जा रही है अच्छी तरह से रहेगी, कोई आ नहीं सकता इसके आसपास. ये इसलिए भेजती है मम्मी कि कुछ पढ़ के आ जाए और पुलिस वाले तो मुझे ही बनना और देश की रक्षा करनी है. मेरा नाम शिवानी है. शिवानी क्या क्या सीखा आपने शी टू शक्ति कैंपेन के स्कूल में? मैंने किताब रीडिंग करनी सीखी है, मैथ्स भी सीखे, सारे सब्जेक्ट निशा मैम सब समझाती है, इतनी अच्छी तरह से समझाती है. कभी ऐसा होता है जब आपकी टीचर्स ये जो सब कांस्टेबल्स हैं इनकी कहीं और ड्यूटी लग जाती है तो आपको लगता है अरे ये कहाँ चले गए, इनको तो हमें पढ़ाना था? यस मैम ऐसा लगता है, मैं बहुत याद आती है मैम की. बट मैम की मजबूरी होती है कि हमें जाना है जाना है और इनकी जगह दूसरी टीचर्स भी आई हैं, उनके साथ भी हमें मतलब अच्छा लगता है पढ़ना पर फिर भी अपनी मैम की याद तो बहुत आती है. अरे लेकिन पुलिस का काम तो सबकी देखभाल सबकी रक्षा करना है ना, आपको पढ़ाने का काम थोड़ी है पुलिस वालों का. पर वो हमें पढ़ा रही है, हमारे को बहुत अच्छा लगता है और हमारे साथ बहुत बेनिफिट होता है हमें वो उनके पढ़ाने से. और हमें कॉन्फिडेंट भी आ गया बोलने में कहीं पे भी. उन्होंने बहुत बताया कि कहीं पे भी डरना नहीं है और कुछ गलत भी हो रहा है तो आप हमारे साथ शेयर करो, आप हमारे साथ बताओ, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. लड़की होने के नाते भी हम कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं आ सकते हैं, डर नहीं है हमें. तो अब पुलिस वालों से किसी को डर नहीं लगता? नो मैम. पुलिस वाले सब दोस्त बन गए? यस मैम. मुझे लग रहा है मुझे भी स्कूल में आके पढ़ना चाहिए, फिर मुझे भी पुलिस से डर लगना बंद हो जाएगा. तो अगर मैं आज आप सारे बच्चों से पूछूं कि जो पुलिस वाली टीचर्स हैं आपकी, इनके लिए अगर आप कोई एक मैसेज देना चाहो तो वो मैसेज क्या होगा? जिन लोगों को समझ में ना आया हो उन्होंने कहा है वी लव दिल्ली पुलिस. अच्छा अब एक बात है, अपने हर बिग हीरोज का शो को खत्म करते समय मैं अपने बिग हीरोज से एक गाने की फरमाइश लेती हूँ. कौन सा गाना है जो आप सब लोग आज दिल्ली वालों को सुनाना चाहेंगे? चलो चलिए उठे सबके कदम देखो रम पम पम. इतने प्यारे प्यारे बच्चों के तरफ से दिल्ली वालों के नाम ये खूबसूरत गीत. आप सुन रहे थे बिग हीरोज, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर. आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान बिग हीरो स्पेशल ऋचा अनिरुद्ध के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर. अगर आपका 22 साल का बेटा आपसे आकर कहे कि वो अपनी एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर समाज सेवा शुरू करना चाहता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? सोचिए. मुझे यकीन है कोई भी माता पिता इसे खुशी से स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो बच्चे समाज के बनाए
नियमों से हटकर कुछ काम करते हैं उन्हीं को तो कहते हैं ना बिग हीरोज। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज मेरे बिग हीरो हैं अंकित क्वात्रा। आज इनकी उम्र 24 साल है। 2 साल पहले इन्होंने फैसला किया कि अपनी अच्छी खासी सेटल्ड जॉब छोड़कर सोशल वर्क करेंगे। क्या है वो सोशल वर्क, इस पर बात करेंगे आज मेरे साथ अंकित क्वात्रा और उनके काम में उनका सहयोग कर रही उनकी सहयोगी सृष्टि। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास शो बिग हीरोज में। अंकित, सबसे पहले आप दिल्ली को बताएं कि आप करते क्या हैं। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है फीडिंग इंडिया करके, यहाँ पर हम जितना भी खाना वेडिंग्स इवेंट्स में रेस्टोरेंट्स होटल्स में बच जाता है वो हम लेकर जिन लोगों के पास खाना नहीं होता उन तक पहुँचाते हैं। इंडिया में बहुत सारी भूख है ये हम सबको पता है, लेकिन इंडिया में इतना सारा खाना वेस्ट होता है जिस भूख को मिटा सकता है ये हम काफ़ियों को नहीं पता। हम चाहते हैं कि लोग समझें कि खाना वेस्ट करना एक बुरी बात है, उसको वेस्ट ना करें एंड अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो लोगों को डोनेट करें। कैसे करते हैं आप इसका? हमने एक ऐप स्टार्ट करी है जहाँ पर जिसको भी कभी खाना बच जाता है वो वहाँ पर रिक्वेस्ट डाल देता है। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं हम उनको हंगर हीरोज बोलते हैं। जब भी हम कोई ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है हम पहली चीज देखते हैं कि उस एरिया में हमारा सबसे पास का हंगर हीरो कौन है। फिर हम उस हंग हीरो को कॉन्टैक्ट करके उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देते हैं एंड वो जाके खाना कलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जितने लोग कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी की शादी भी गए होते हैं उनको महसूस होता है कि यहाँ काफी खाना बचने वाला है तो वो भी हमें कॉन्टैक्ट करते हैं। हमें दिन में लगभग 100 कॉल्स आती है जो हमारे लिए काफी बड़ी बात है। 20 सिटीज में है हमारे पास 1000 वॉलंटियर्स हमने अभी भी क्रॉस किया है ऑल ओवर इंडिया। सो हम एक्चुअली हम तो काफी खुश है रिस्पॉन्स के साथ, लेकिन हम चाहते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। ऐप का नाम बता दीजिए। फीडिंग इंडिया के नाम से ही जाता है मोबाइल एप्लीकेशन, ये भी एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और जो iOS स्टोर है उस पे भी आने वाला है। वेरी गुड। तो फीडिंग इंडिया नाम की इनकी ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप कहीं भी ऐसी जगह पर हैं जहां आपको लगता है कि खाना वेस्ट हो रहा है और उस खाने से बहुत सारे लोगों का पेट भर सकता है तो आप अंकित क्वात्रा और उनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं और वो खाना जरूरतमंदों तक पहुंचा सकते हैं। काम तो बहुत अच्छा शुरू किया है इन्होंने, लेकिन 2 साल पहले वापस उसी कहानी पर जाऊंगी जब अंकित ने ये फैसला किया था फीडिंग इंडिया शुरू करना है। कैसे ये आइडिया इनके मन में आया था और क्या रिएक्शन इनके पेरेंट्स का था ये सब कुछ जानूंगी आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए हमारे खास शो बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। मेरे बिग हीरो हैं अंकित क्वात्रा और फीडिंग इंडिया में उनकी साथी सृष्टि। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। 92.7 बिग एफएम पर यह हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। आज जो मेरे बिग हीरो हैं 24 साल के अंकित क्वात्रा हमें ये सिखा रहे हैं कि समाज के लिए अगर कुछ अच्छा करना है कुछ अच्छा सोचना है तो उसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। अंकित ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर फीडिंग इंडिया नाम से एक NGO शुरू किया है जो हमारे देश के जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का काम करता है। अंकित, काम तो ये बहुत अच्छा है लेकिन 22 साल की उम्र में ये ख्याल आपको आया कैसे? मैं एक वेडिंग अटेंड कर रहा था यही दिल्ली में जहाँ पर 35 टाइप के खाने थे। सो एक जनरल थॉट जो मेरे माइंड में आया कि बहुत ढेर सारा खाना हम शादी में खा के जाते हैं और काफ़ी टेस्टी भी होता है लेकिन हम कभी सोचते नहीं कि जो खाना बच जाता है उसका होता क्या है। तो बस एज अ थॉट मैंने जहाँ वहाँ के केटरर हैं उनसे मैंने एक बार बात करने की कोशिश करी, उनसे पूछा कि यहाँ के खाना का होता क्या है एंड उन्होंने मुझे बहुत ही एक सिंपल तरीके से बहुत ही ऑब्वियस तरीके से मुझे बताया कि वो सारा का सारा खाना फेंक दिया जाता है एंड एक रफ कैलकुलेशन करने से ये पता लगा कि सिर्फ उस वेडिंग से 10,000 लोगों का पेट भर सकता था। बस इसको देखते हुए कि इतना खाना वेस्ट हो जाता है अगर एक वेडिंग से इतने लोगों का पेट भर सकता है तो मैंने सोचा अगर कोई कुछ नहीं कर रहा तो क्यों ना मैं करूं। तो तभी मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मैंने फीडिंग इंडिया स्टार्ट कर दिया। और जिस दिन आपने अपना ये फैसला अपनी फैमिली के साथ शेयर किया उस दिन क्या हुआ ये मैं जरूर जानना चाहूंगी। सच बात है मैंने अपनी फैमिली के साथ थोड़ी बार पहले काफी देर तक मैंने छुपा के रखी बात फिर थोड़ी टाइम बाद मैंने उनके साथ शेयर करा कि मैं जॉब ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ और मैं फीडिंग इंडिया मतलब शुरू कर चुका हूँ। तो जब उनको पता लगा तो उनको लगा कि ये लड़का बिजनेस में नहीं आया, पहले जॉब में गया, अभी जॉब भी नहीं कर रहा और ये कुछ और कर रहा है, ये गलत कामों में लग गया, ये लड़का बिगड़ गया। चाहे मेरे पेरेंट्स अभी सपोर्ट करते हैं बट फिर भी एक समझ के तौर पर उनको समझ नहीं आता कि मैं अभी भी क्यों करता हूँ। कई बार जिंदगी में हम बहुत अच्छे अच्छे फैसले तो कर लेते हैं लेकिन एक सच ये भी है कि सोशल वर्क की जो राह है वो आसान नहीं होती, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और कई बार क्या हम मुड़कर ये सोचते हैं कि जो रास्ता हमने चुना है वो गलत था? क्या ऐसा अंकित के साथ कभी हुआ? जानूंगी इनसे आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर यह है हमारा खास शो बिग हीरोज जिसमें हर हफ्ते हम सलाम करते हैं कैसे बिग हीरो को जो समाज की बेहतरी के लिए कुछ कर रहा हो।
मैं हूँ आपके साथ रिचा अनुरोध और मेरे बिग हीरो हैं अंकित क्वात्रा जो कि फीडिंग इंडिया नाम से एक एनजीओ चलाते हैं और भूखे जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाते हैं, वो खाना जो हम और आप शादियों में इवेंट्स में जाकर या कई बार होटल्स में जाकर सिर्फ बर्बाद कर देते हैं। अंकित, 2 साल हुए फीडिंग इंडिया शुरू हुए, बहुत सारी मुश्किलें सामने आ रही होंगी। हाँ जी बिल्कुल, आई थिंक काफी चैलेंजेस हमें फेस कर रहे थे। जब मैं स्टार्टिंग में जाता था केटर से बात करने के लिए, रेस्टोरेंट से बात करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि अच्छी बात है जो हमारा खाना एंड में बच जाता है उसको अगर हम डस्टबिन में ना फेंके बल्कि एक एनजीओ को दे दे जो वो लेके जाएंगे भूखों को देने के लिए, ये उनको समझाना थोड़ा मुश्किल था। थोड़ा केटरर्स को लगता था कि ये सही नहीं है, कुछ केटरर्स को लगता था कि फेंकना ज़्यादा आसान है, तो माइंड सेट चेंज लाना है वो अभी भी बाकी है। वो एक काफ़ी कंसिस्टेंट चैलेंज रहा है हम लोगों के लिए, लोगों को समझाना कि ये काम एक अच्छे उपयोग के लिए। और नौकरी छोड़ने के 2 साल बाद भी आज आप अपने लिए पैसे नहीं कमा रहे हैं। कभी ये लगता है कि जब अपने फ्रेंड्स को देखते होंगे कि गलत डिसीजन हो गया लाइफ का? नहीं, मुझे आई थिंक कभी भी नहीं लगा कि गलत डिसीजन है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि अगर मुझ जैसे 5-6 और लोग पैदा हो जाएं या मतलब हैं कुछ इंडिया में तो फिर काफी तरक्की हो सकती है। सृष्टि, आपने अंकित के साथ पहले ऑफिस में साथ काम किया, आज आप इनकी हेल्प करती हैं फीडिंग इंडिया में भी, लेकिन जब इन्होंने अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लिया तो आप सब कॉलीग्स ने फ्रेंड्स ने मजाक तो नहीं उड़ाया था कि क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, एक्चुअली अंकित जैसे बता रहे, उन्होंने तो अपने पेरेंट्स को बताया भी नहीं था, तो हम लोग इनकरेज करते हैं एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को तो बताओ। काफी लोग भी बोलते थे कि ये इसमें कोई करियर नहीं है, लेकिन फिर भी आई रिमेम्बर अंकित वाज लाइक ये मना करें बट दैट ओनली मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। और आपने कब ये सोचा कि आपको इनके साथ वॉलंटियर करना है? मैंने तो as soon as he shared the idea with me, जैसे ही मुझे पता चला था इस आइडिया के बारे में, I fell in love with the idea। जी, जब आप इतना अच्छा काम करते हैं तो बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंसेस भी आपकी जिंदगी में जुड़ते जाते हैं। कुछ ऐसे ही इनके एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं रिचा अनुरोध और मेरे बिग हीरो हैं अंकित क्वात्रा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनुरोध और मेरे बिग हीरो हैं फीडिंग इंडिया के अंकित क्वात्रा और उनकी सहयोगी सृष्टि। अंकित, अपने हर बिग हीरो से मैं पूछती हूँ कि जब भी आपके अच्छे काम में, नेक काम में कोई रुकावट आती है, there's something, some experience that keeps you going, जो आपसे कहता है कि नहीं, चाहे कितनी भी परेशानियां आए मैं ये काम करता रहूंगा या करती रहूंगी, आपके साथ कोई ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस जिसे आज आप शेयर करना चाहें? एक एक्सपीरियंस डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगा। मुझे एकदम से याद आया, जब मैं फीडिंग इंडिया शुरू कर रहा था ना, मैं ना कुछ बच्चों को फुटबॉल सिखाता था, तो वहां पर एक एक्सपीरियंस था मेरे साथ कि एक बच्चे की माँ की जॉब चली गई थी, वो किसी एक हाउस होल्ड में काम करती थी, एंड इसके बारे में मुझे पता लगा कि इनके घर पे खाना नहीं था उस टाइम पे, तो ये घर पे जाके अपनी मम्मा को झूठ बोलता था कि मैं खाना खा के आया हूँ, ताकि उनको ये ना लगे कि इसको खाना खिलाना है, वो दुखी ना हो। एंड हर रोज रात को भूखा सोता था अपनी माँ को ये बोल के कि मैं खाना खा के आया हूँ। एंड तो उसकी एक लाइन मेरे दिमाग में अभी भी लगी हुई, जब इसकी माँ हमें फुटबॉल खेलते हुए देखने आई थी, बोला तो खाना खा लिया, इसने बोला नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, एंड इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो उस ऐसे तब मुझे लगता है, ऐसी चीजें मुझे लगती हैं कि अगर इन चीजों के लिए हम कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। Yes. ये बताइए कि हम दिल्ली वाले अगर हंगर हीरोज बनना चाहते हैं तो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? हमारा फेसबुक पेज है, हमारी एक वेबसाइट है जहाँ पर हमने बहुत इजी फॉर्म भर रखा है, जहाँ पर जिसको भी हमारे साथ जुड़ना है, हमारे 20 सिटीज में नॉट ओनली दिल्ली, वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकता है, हम लोग वो हमारा एक पार्ट बन सकता है। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर भी है 9871-78810, 9871-78810। और हम अभी एक ऐसे मोमेंट पे हैं जब हम इस सिटी का, दिल्ली का पहला मैजिक ट्रक लेने के कागार पे, एक ट्रक जो सिर्फ शादियों से, कॉर्पोरेट से, रेस्टोरेंट से एक्स्ट्रा खाना लेके लोगों तक पहुंचाएगा। तो हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि अगर कोई हंगर हीरो बनना भी चाहते हैं या अलग से भी अपने फैमिली में, लोग इस मैसेज को जरूर स्प्रेड करें कि हम एक मैजिक ट्रक लेना चाहते हैं, अगर इसकी तरफ सपोर्ट करना चाहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जरूर करें। थैंक यू सो मच अंकित, और मैं उम्मीद करूंगी कि ये मैजिक ट्रक का सपना आपका जल्द से जल्द पूरा हो, और दिल्ली के बहुत सारे बच्चे जो रात में भूखे सोते हैं उनको भूखा ना सोना पड़े। मेरी ढेरों शुभकामनाएं आप दोनों के साथ, उम्मीद करूंगी कि आप हमारे शहर के हजारों बच्चों के सपने यूं ही पूरे करते रहें। थैंक यू सो मच अंकित एंड सृष्टि, थैंक यू फॉर कमिंग टू बिग हीरोज। थैंक यू थैंक यू सो मच।